आज हम बात कर रहे हैं कौन सी राशि के लोग कलाकार होते हैं और किस तरह के कलाकार होते हैं। और आप में से कुछ तो ऐसे कलाकार होंगे जो कि आपको भी नहीं पता आप में इस तरह की कलाकारियां भी छुपी हुई हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सभी राशियां कवर करेंगे। सो देखिए हमारे इस वीडियो को और शुरू करते हैं हम एरीज मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले नेचर लवर्स होते हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान होता है और वो बड़े अच्छे ढंग से एडवेंचर प्लान कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से वो मेकओवर प्लान कर सकते हैं। एक बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो, और बहुत ही शानदार तरीके से किसी भी चीज़ का मेकओवर कराना हो उनको, उनके आइडियाज़ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हैं। पेंट हो गया और जो है किसी भी तरह का आपको कुछ भी मेकओवर कराना है ना, वो बढ़िया आर्टिस्ट होते हैं, नेचर से इंस्पायर्ड, बड़े ही शानदार कलर चूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉरस वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि के लोग भी कलाकार होते हैं, लेकिन वो कविताएं लिखते हैं, वो वैसी कविताएं लिखते हैं जो डीप मीनिंग होती हैं, और कई बार जो है इतनी ज़्यादा डीप मीनिंग होंगी कि वो एकदम से छा जाते हैं। अच्छे शायर होते हैं, आर्टिस्ट तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जो है जहाँ कहीं भी उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। मिथुन राशि के लोगों के अंदर एक काबिलियत होती है, एक खासियत होती है कि वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को भी संभाल सकते हैं, कि वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को भी संभाल लेते हैं, और जब वो बोलना शुरू करते हैं अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छी जनता को कैप्टिवेट करते हैं, और बड़े जनता जो है मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बात को सुनती भी है। अच्छे इवेंट मैनेजर होते हैं और शानदार तरह के कलाकार भी होते हैं। और अभी देखिए, अभी हम बात करते हैं आगे हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले बढ़िया म्यूजिशियन मिलेंगे आपको, एकदम शानदार शानदार कलाकार मिलेंगे आपको, और जो है जब भी वो अपना जो है कलाकारी दिखाते हैं या कोई भी जब भी उनको कोई डांस वगैरह करने का मौका मिलता है, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से डांस वगैरह करते हैं। और देखेंगे आप उनको फ्लैशी कपड़े पहनेंगे, एकदम जो है चटक पटक बिल्कुल रहेंगे, और लगेगा कि हाँ भाई कोई सुपर स्टार चला आ रहा है ना। और देखिए आगे हैं हमारे पास में सिंह राशि के लोग। सिंह राशि के लोग ज़्यादा ऐसे तो नहीं कलाकार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अच्छे रणनीतिकार होते हैं। आप उनको कोई भी काम दे दीजिए, कोई भी रणनीति बनाने के लिए दे दीजिए, वो बहुत ही शानदार से रणनीति बना के लेके आएंगे, बगैर बिना किसी लूप होल के बढ़िया लीड करेंगे, और बढ़िया शानदार तरीके से वो बड़े बड़े ग्रुप्स की स्थापना करते हैं। कन्या राशि के लोग बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल वो जन्म से ही आर्टिस्ट होंगे, और उनमें आर्ट के कई तरह के फॉर्म उनके अंदर होते हैं, जिसमें से म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, शेरो शायरी हो गई, और आर्टिस्टिक कोई भी काम हो वो बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, है ना। और अच्छा लिखते हैं, बहुत ही सुंदर लिखते हैं, और बड़ी जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपनी। तुला राशि के लोग बिजनेसमैन हैं, भले ही उनमें उस तरह के आर्ट नहीं हो, लेकिन अगर उनका कॉम्बिनेशन नक्शा उनके लग्न का या उनके मून साइन का कॉम्बिनेशन कुछ और बनेगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से आर्टिस्ट भी बनेंगे, लेकिन पूरे बिजनेस सेंस के साथ में। वो जब वो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कुछ फायदा है या इसमें कुछ नुकसान है या इसमें क्या उनको मिलने जा रहा है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग भी जो है एक तरीके से स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, बढ़िया स्टेज आर्टिस्ट मिलेंगे आपको ये, अच्छे नाटक, अच्छे ड्रामा, और जो है आर्टिस्ट कलाकार हॉलीवुड में बॉलीवुड में अच्छे खासे सक्सेसफुल हैं स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि के लोग। और वो ये जानते हैं कि जनता क्या देखना पसंद करती है, जनता को क्या चाहिए, और जनता को सेलेक्टिवली वही देते हैं जो जनता देखना पसंद करती है। नेक्स्ट हमारे पास में धनु राशि के लोग। धनु राशि के लोग परसेप्शन क्रिएशन में मास्टर होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सीन हो चाहे वो कोई भी सीन हो, वो वहाँ पर अपने हिसाब से उस सीन को ढाल लेते हैं। आर्टिस्ट होंगे बढ़िया शानदार आर्टिस्ट होंगे, मंत्रमुग्ध करने वाले, और जब भी वो बोलना शुरू करते हैं तो एक एक बात बिल्कुल अपनी बात को बहुत ही सही कायदे से समझाते हैं, और जनता जो है समझ भी जाती है। और आर्टिस्ट तो शानदार होंगे, इस बारे में कोई भी दोराय नहीं है। मकर राशि के लोग दिखने में सुंदर होते हैं और ये उनकी आर्ट को और ज़्यादा निखारता है। उनको बढ़िया पेंटिंग, बढ़िया जो है आकाशीय यानी कि उनको सितारे देखने का बड़ा अच्छा वो होता है, उनको शौक होता है। और कलाकार तो बहुत ही शानदार होंगे, और वो हमेशा जो है
चटक यूज करते हैं, चटक रंग यूज करते हैं, मतलब काफी जो फास्ट कलर्स होते हैं वो यूज करते हैं, शेड्स बहुत ज्यादा, शेड्स को मिक्स करते हुए भी बहुत एकदम तरीके से, उनको लगेगा कि भी किसी जो है दूसरी दुनिया की ये आर्ट है जब वो बनाना शुरू करते हैं। उनकी आर्ट इंस्पायर्ड है उनके जो है स्पिरिचुअलिटी से और उनकी जो है एक तरीके के सोचने के ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोग स्टेज के, स्टेज या माइक पर तो बहुत अच्छा बोलते ही हैं, साथ में बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छे रिवॉल्यूशनरीज भी रहे हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं कुंभ राशि के लोग, जिन्होंने अपने जो है शब्दों से लोगों को काफ़ी मूव किया है, काफ़ी ओतप्रोत किया है उनको, काफ़ी उनको प्रेरित किया है, बढ़िया कविताएँ लिखते हैं, बढ़िया साहित्य लिखते हैं और बढ़िया किताबें पढ़ते भी हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी, तो उनको जो है भगवान का वरदान होता है, उनकी वाणी में एक तरह का आकर्षण होता है, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइसेस। मीन राशि के लोग एक उच्च कोटि के कलाकार मिलेंगे आपको, और वो एक तरीके से आर्ट में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में, संगीत में, डांस में, सब में वो अव्वल दर्जे के कलाकार होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना नाम कमाते हैं आर्ट की सीन, आर्ट के एरियाज में, और आर्टिस्ट, शानदार एक आर्टिस्ट होना एक अच्छे दिल का भी संकेत देता है उनका, कि उनका दिल भी अच्छा होता है। अगर हम यहाँ पर सबसे शानदार आर्टिस्ट की बात करें तो हमारे पास मीन राशि के और यहाँ पर जो कन्या राशि के जो लोग हैं वो सबसे शानदार आर्टिस्ट, सबसे शानदार आर्टिस्ट में से माने जाएंगे। कन्या राशि के लोग तो खैर सर्वगुण संपन्न होते हैं आर्ट के मामले में, उनको कई तरह की आर्ट्स आती हैं, और इसी तरह से मीन राशि के लोगों को भी बहुत सारे तरह की आर्ट्स आती हैं और वो किसी भी आर्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।